अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शॉकिंग न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वर्क भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत को देखते ही मुखालफीन की तरफ से ऊंचे हाथ कंडे उठाना शुरू। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अलामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी, क्या इसमें सदाकत है? इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपका और हमारा रब्ता जुड़ा रह सके। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत से मुखालफीन खौफ ज़्यादा, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कंपेन में रुकावटें डाल रहे हैं। नाज़रीन, शेखपुरा के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को गिरफ्तार किया था और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को रहा कर दिया जा चुका है। बाकी हल्के में बहुत ज़्यादा तेजी से काम किया जा रहा है और मजबूती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत को देख कर मुखालफीन की चीखें निकल रही हैं, पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी सामने आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह समेत 8 अफराद के वारंट गिरफ्तारी कर दिए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ अफराद में से वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और मुखालफीन की नींदें हराम हो रही है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की इस गुंडागर्दी से मुतल्लिक अपना कीमती कमेंट सेक्शन में करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।